सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल जी के क्या आप जानते हैं सीरीज के पार्ट फोर में आज हम जानेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन और कुछ उनके आंसर जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लेंगे हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका आंसर होगा केलांग। और दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? दोस्तों यहाँ पर हमें चार जिले दिए हैं, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना। अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की तो सबसे कम पॉपुलेशन है ऊना की। याद रखें हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? यह होगा दोस्तों शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? याद रखना काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? यह है दोस्तों गिरिराज। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मछली उत्पादन की जो फार्म है वो कहाँ पर है और किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह है बिलासपुर में। याद रखना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है लामा झील, सूरज झील, सूरज ताल झील, चंद्रताल झील और रेणुका। इसमें आंसर होगा आपका रेणुका। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? याद रखें दोस्तों मंडी जिले में नहीं पूछा है तो आपका आंसर होगा डल लेक। और कामरूनाग, प्राशर और रिवालसर लेक तीनों मंडी जिले में है। कुक्ती नामक धरा किस जिले में है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो कुक्ती पास है वह हिमाचल के किस जिला में है? दोस्तों यह है चंबा में। ब्यास नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? दोस्तों पहले आप जब भी आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो पहले प्रश्न आप पूरा पढ़ें। कई बार हम स्किप कर लेते हैं कि वहाँ पूछा होता नहीं बहती है तो हम जल्दी जल्दी में या उसको ओवरलुक करके हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर बहती है। तो ये याद रखें नहीं पूछा है तो यह बिलासपुर में नहीं बहती है। तो अगर आप ब्यास नदी की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने पहले ब्यास नदी के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बाणगंगा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बाणगंगा कांगड़ा में बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कांगड़ा की है। दोस्तों अब लेते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रश्न जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों प्रश्न बड़े सिंपल है पर कई बार हमें ये नहीं पता होता है या कई बार ये स्किप हो जाते हैं तो आप याद रखें। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों याद रखें कई बार शहर पूछा जाता है पॉपुलेशन बेस पे, कई बार पूछा जाता है एरिया बेस पे। तो दोस्तों अगर एरिया बेस पे बात करते हैं सबसे बड़ा शहर पूछा है तो यह होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? दोस्तों बहुत ही सिंपल है 29। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन रहता है मोस्टली स्टूडेंट को तो आप याद रखें सबसे जो ऊंची मीनार है वो कुतुब मीनार है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? दोस्तों महिला की बात हो रही है तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कमलजीत संधू। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में शामिल अंटार्कटिका विंस मैसिफ में हाल ही में किसने तिरंगा फहराया? दोस्तों याद रखें यह फहराया था अरुणिमा सिन्हा जी ने। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों फ्लैग के जो कलर है वो अलग अलग डिफाइन है, अलग अलग वो इंडिकेट करते हैं तो आपको याद रखना है जो केसरिया रंग है वो ताकत और साहस के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? दोस्तों याद रखें यह होती है 24 मतलब 24। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? दोस्तों जनगणमन, ये तो सभी को पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न
होने वाला या करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उस पर राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे जो सोलर इंसोलेशन है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है, और जो बड़े सोलर प्लांट है वो भी राजस्थान में ही है, तो मैक्सिमम राजस्थान में प्रोडक्शन होती है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक जनक है दादा साहब फाल्के जी, आपको याद रखना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।